पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मेरे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, फिर से भयावह रिपोर्ट आ रही है, अब तो सदन में कंपलसरी कर दिया गया मास्क को। क्या लगता है, देश तैयार है अभी जो स्थिति आ रही है उसको देखते हुए? देश के पास तो देखो बहुत अच्छा अनुभव है, अब तो 3 साल हो गए। पहला केस हमारा जब आया था, मतलब और पहली बार जब रिपोर्ट आई थी वो जनवरी 2020 में आई थी, तब से अब तक 3 साल हो गए। 3 साल में इतनी तैयारियां देश ने की हैं, सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन के सब पक्ष हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, सोसाइटी हो, सब लोग तो पूरी तरह से अनुभव उनको मिल चुका है। अब केवल ये है कि अनुभव के आधार पर अभी, और सब लोग वैक्सीनेटेड भी हैं, मेजॉरिटी लोग मतलब 90% से ज़्यादा ही वैक्सीनेटेड होंगे, अब एग्जैक्ट डाटा रोज़ बदलते रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में तैयारी की तो कोई कमी है नहीं। और फिर प्रधानमंत्री ने स्वयं इनिशिएटिव ले लिया है। ये जो नया वेरिएंट है, अब आप चूँकि पेशे से डॉक्टर भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, ये जो नया वेरिएंट है वो कितना ख़तरनाक है? अब जो खबर आ रही है कि भाई बहुत तेज़ी से उसका जो स्प्रेड होने की जो स्पीड है वो कई गुना ज़्यादा है बाकियों के मुकाबले, तो और फिर जैसी खबरें आ रही हैं चाइना वगैरह में भी काफ़ी लोगों की डेथ्स इत्यादि हो रही हैं या जो भी है, तो उसको इन खबरों के मद्देनज़र इसको गंभीरता से तो लेना ही चाहिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। बाकी इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जितनी लैब्स हैं उन सबको एक्टिवेट कर दिया गया है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हम भारत के अंदर इसको तेज़ी से टैकल करेंगे। जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन का साफ कहना है कि हम इजीली टैकल कर सकते हैं नए वेरिएंट को, कोई सी कोई बड़ी समस्या नहीं है। कुमार गौरव, News24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।